क्रिमिनल हैं बाय द नेम ऑफ चौआ एलियस अमन, और इनका दूसरा नाम चंदर भान भी है, वांटेड क्रिमिनल है। यूपी पुलिस और हमारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 6 इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। मर्डर केस के ये पैरोल पर आए थे, और मर्डर केस गाजीपुर थाने का है, और अभी कल की एक रेड में कुछ हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, और हमारे बहुत ही बाखूबी हमारे दो हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम है मोहम्मद रहमान और देवेश। उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ब्रेवरी दिखाकर, और हमारे SHO साहब भी इसका मिनट टू मिनट हालात ले रहे थे, और लाइक वाइज हमारे ACP साहब, और एक रेड में इनको हमने पकड़ा है, और इसे बरामद हुई है एक पिस्टल और 4 लाइव कार्टिजेस। हमारे 307 का एक मैटर था अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी वांटेड थे, और अभी हाल ही में गाज़ियाबाद में 10 दिन पहले इन्होंने एक फायर किया है, उसका भी केस दर्ज है। एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, और मेनली इनका धंधा एक्सटॉर्शन का ही है, और ये 10 दिन पहले जो वारदात हुई है गाज़ियाबाद में उसमें भी इनकी सिमिलर नेचर की वारदात है। आपने सब कवर कर ही दिया बेसिकली। ये सर एक मिनट सर चेंज कर लीजिए थोड़ी सी प्लीज, और इधर आ जाए भी रह चुका है, तो इसको थोड़ा सा पुलिस वर्किंग के बारे में एक्सपीरियंस था, लेकिन एक टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस का काफ़ी कॉम्बिनेशन करके हमने जीरो इन कर लिया था कि किस एरिया में इसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस एरिया के अंदर इन्फॉर्मर्स डेवलप करके एक तरीके से एक कल इसको पकड़ा गया, और इससे उम्मीद है कि जिस तरीके की ये आम लोगों की जो शिकायतें आ रही थी उस पर ज़रूर कंट्रोल आए। ठीक मैम, लोगों को टारगेट करते थे दुबई के लिए, और इसका प्रोफाइल बता दीजिए। 28 साल के हैं ये, और ये 2009 से इस क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व है। इनके ऊपर मर्डर केस, जैसे कि मैंने बताया 2014 का मर्डर केस है, और रॉबरीज में भी इन्वॉल्व है, और मेनली इनका पेशा ये है कि छोटे मोटे जो बिजनेस मैन हैं उनसे एक्सटॉर्ट करते हैं, और ये भी पता है कि किस तरह से किन के साथ एक्सटॉर्शन करनी है, जो ज़्यादातर